हेलो गाइस, यू आर वाचिंग ट्रैवलर शर्मा। दिस इज योर फ्रेंड नितिन शर्मा। आज हम कोई व्लॉग नहीं करने वाले हैं, आज कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड बातें नहीं होंगी, ट्रैवल से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं होगी। आज हम करने वाले हैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और इन्फॉर्मेशन क्या है वो आप समझ ही गए होंगे थंबनेल देखकर और वीडियो का नेम देखकर कि कनाडा एम्बेसी यानी कि जो इंडिया में कैनेडियन एम्बेसी है उसमें काफ़ी सारी जॉब्स निकली है। काफ़ी सारी तो नहीं, खैर 3 या 4 जॉब निकली है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसी से रिलेटेड आज ये वीडियो होने वाली है, उसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो हाल ही में मैंने अकाउंट बनाया था कैनेडियन एम्बेसी में जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए। सो मैं आज ऐसे स्क्रोल कर रहा था, क्योंकि मैं करता रहता हूँ ये सब चीज़ें, और आप लोगों को भी करनी चाहिए। आप लोगों को ये मेरी एडवाइस है, ये मेरी सलाह है, अगर आप एम्बेसी में जॉब पाना चाहते हैं, एम्बेसी में जॉब करना चाहते हैं, आपने कोई लैंग्वेज करी हुई है, तो आप उनकी वेबसाइट्स पर जाके करें अपॉर्चुनिटीज देखते रहा करें, वीक में या 1 मंथ में या एटलीस्ट 2 वीक्स में एक बार देख लिया करें उनकी वेबसाइट पर जाके कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी तो ओपन नहीं है। सो आज मैं वही देख रहा था और मेरे को दिखाई दी वहां पर 3 या 4 जॉब। सो उसी से रिलेटेड आज ये वीडियो है, उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। अगर आप वीडियो में नए हैं, अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते, तो मेरा नाम है नितिन शर्मा और मेरा चैनल का नाम है ट्रैवलर शर्मा। सो मैं इसी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ या फिर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू ब्लॉग डालूं या जब भी मैं कोई न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो डालूं आप लोगों के लिए। सो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते अपनी वीडियो की तरफ, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं इन्हीं जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी चीज़ छूट ना जाए। सो लेट्स गो टू आवर वीडियो। ओके सो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल टाइप करना है, या तो फिर आप टाइप कर सकते हैं सीधा, ये डायरेक्ट लिंक ऊपर भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। और सबसे पहले आपको ये लिंक कॉपी करना है मेरी वीडियो में से, नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा आपको, और उसको गूगल पर डाल देना है। सो जैसे ही आप गूगल पर डालेंगे, सबसे पहले ये खुलेगा सर्च जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एट अवर कैनेडियन ऑफिसेज अब्रॉड, यानी कि जो कैनेडियन ऑफिसेज हैं, जो कि कैनेडियन एम्बेसी के ऑफिसेज हैं अब्रॉड, उस पेज पर आपको ये ले जाएगा। सो इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप फिल्टर कर सकते हैं आइटम्स, फिल्टर आइटम जैसे कि कंट्री वाइज, सिटी वाइज। जैसे कि मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पे हमने इंडिया डाल दिया। जैसे ही आप इंडिया फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे शोइंग हो रहा है, इट सेज कि शोइंग 1-3 एंट्रीज, यानी कि 3 जॉब्स ओपनिंग है कैनेडियन एम्बेसी में इंडिया में। और ये दे रखा है यहाँ पे पोजिशन टाइटल जो है सीनियर कमर्शियल ऑफिसर की है, कंट्री कौन सी है इंडिया में, और सिटी जो है चंडीगढ़, यानी कि अगर आप चंडीगढ़ से ये वीडियो देख रहे हैं मेरी और आप चंडीगढ़ में रहते हैं तो ये जॉब आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आप, क्योंकि वहीं पे रहते हैं और आपके लिए इजी पड़ेगा। उसके बाद जो जॉब फंक्शन है वो ऑफिसर का है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि पोस्टिंग डेट कौन सी है, यानी कि पोस्टिंग डेट का मतलब है जब इन्होंने ये जॉब ऑफर करी है, जब इन्होंने ये अपने पोर्टल पे ऑफर करी है ये जॉब आप लोगों के लिए, ताकि आप अप्लाई कर सके। यानी कि 1 तारीख को इन्होंने, जस्ट 1 जून को इन्होंने ये पोस्ट करी है, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 15 जून की है। 4 तारीख हो चुकी है आज, यानी कि हमारे पास स्टिल वी हैव 11 डेज लेफ्ट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। एंड देन नेक्स्ट वी हैव हियर सीनियर इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टेंट विच also in India. Then we have a city name Mumbai, so if you are from Mumbai you can apply for this job also, and the job function will be administrative. And the last one we have cultural officer. Cultural officer ki bhi job India mein hi hai aur Mumbai, kyunki humne yahan pe filter dal diya hai. Agar aap kahin aur se bhi meri ye video dekh rahe hain, kisi aur country mein rehte hain aur aap locally aap job pana chahte hain, aapke paas work permit hai us jagah ka, to you can apply for this job. Aur aap yahan pe us country ka naam dalenge to uske hisab se aa jayegi. For example abhi main Spain mein rehta hu, to main Spain agar dalta hu to abhi koi bhi जॉब नहीं है मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज, लेकिन इंडिया में आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज खुली हुई हैं। सो ये 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। सो लास्ट इसकी जो 3rd वाली की डेट है, ये 9th जून है और ये 15th जून है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको सीनियर कमर्शियल ऑफिसर की जॉब को अप्लाई करना है कैनेडियन एम्बेसी में, सो वी विल क्लिक ऑन इट। और यहाँ पे सबसे पहले ऊपर दे रखा है बड़े बड़े लेटर्स में कि सीनियर कमर्शियल ऑफिसर ब्रिटिश कोलंबिया। सो सिलेक्शन प्रोसेस नंबर, यानी कि इनके नंबर होते हैं प्रोसेस के, और यहाँ पे जो सैलरी दे रखी है वो पर एनम दे रखी है, विच इज नॉन नेगोशिएबल, विच इज लाइक 21,11,759, यानी कि 21,11,759 पर एनम। सो इसका आप लगा लीजिएगा 12 मंथ का अप्रॉक्स जो कॉन्ट्रैक्ट टाइप है, यहाँ पर इसकी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। और उसके बाद टर्म डिटेल्स, द पोजिशन इज ALES लोकली एंगेज स्टाफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी एम्बेसी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, अगर आप उस कंट्री के रहने वाले नहीं हैं, तो वो एम्बेसी आपको लोकली जॉब दे सकती है, लोकली जॉब प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन आप एज
एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉब नहीं कर सकते हैं उस कंट्री की एम्बेसी में। उसके बाद जो जॉब फंक्शन है वो ऑफिसर का है, उसके बाद क्लासिफिकेशन है, उसके बाद लोकेशन जो है वो चंडीगढ़ में, और नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1। सो ये आपको अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको स्किप करना है, ये पढ़नी बहुत जरूरी होती है जिससे आपको पता चलता है कि एक्चुअली में जॉब है क्या और सिलेक्शन या एलिजिबिलिटी आपकी क्या मांगी है उन्होंने। उसके बाद लैंग्वेज स्पेसिफिकली इन्होंने मांगा है, जिसमें है इंग्लिश है, उसके बाद हिंदी है, उसके बाद पंजाबी है। ओरल एंड रिटन आपका अच्छा होना चाहिए, यानी कि स्पीकिंग और रिटन अच्छा होना चाहिए। रीडिंग इन्होंने नहीं मांगा है। एक्सपीरियंस मिनिमम ऑफ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, और यहाँ पे पर्सनल सूटेबिलिटी है, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, और हाउ टू अप्लाई का पूरा आपको यहाँ पे दे रखा है कि कैसे आपको अप्लाई करना है ये जॉब के लिए। सो यू मस्ट सबमिट योर एप्लीकेशन यूजिंग द अप्लाई ऑनलाइन फंक्शन। सो अप्लाई ऑनलाइन फंक्शन नीचे ही आप पे अप्लाई हेयर दे रखा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी एक आईडी बनानी पड़ेगी, यहाँ पे आपको अपना ईमेल पासवर्ड और उसके बाद साइन इन करना पड़ेगा। उससे पहले आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ये आईडी बनाएंगे उसके बाद आप डिटेल्स भरेंगे तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं जो सेकंड जॉब है वो है, मैं यहाँ पे दोबारा से इंडिया डाल देता हूँ क्योंकि चला गया। उसके बाद सीनियर इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट, जो इसकी सैलरी है वो 9,11,000 के आसपास है, जो कि पर एनम है, पर एनम प्लस 13th मंथ बोनस, यानी कि एक सैलरी आई थिंक आपको 1 मंथ की एक अलग से सैलरी दी जाएगी। सो ये भी जॉब एडमिनिस्ट्रेटिव की जॉब है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव की फील्ड में हैं तो ये मुंबई में जॉब है, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ कनाडा, यानी कि एम्बेसी ऑफ कनाडा, जो कि कॉन्सुलेट है मुंबई में, वहाँ पर होगी, क्योंकि एम्बेसी ऑफ कनाडा वो दिल्ली में है तो उसका कॉन्सुलेट जो है वो मुंबई में। सो यहाँ पर भी वैकेंसी ओपन है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है वैसे, जैसे कि मैंने पिछली उसमें बताया, यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रखा है 3 ईयर्स का, और जो लैंग्वेज है यहाँ पे मांगी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग भी मांगी है, राइटिंग भी मांगी है, और स्पीकिंग भी मांगी है इंग्लिश में। जैसा कि अगर स्पेन एम्बेसी में अगर कोई जॉब निकलती है तो यहाँ पर इंग्लिश हिंदी के अलावा एक और लैंग्वेज होती जो कि होती स्पेनिश। सो जिस कंट्री की एम्बेसी होगी उसी कंट्री की लैंग्वेज आपको एटलीस्ट आनी चाहिए, वो लोग ये मांगते ही मांगते हैं। सो मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इसमें, वर्क एक्सपीरियंस मांगा है रिलेटेड टू द जॉब, उसके बाद काफी सारी चीजें, सो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। और जो थर्ड जॉब है वो है कल्चरल ऑफिसर की, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सैलरी है ये यहाँ पर अप्रोक्स है 12,06,530 रुपए पर एनम, इट इज अप्रोक्स 1 लाख। सो 1 लाख रुपए के आसपास की सैलरी है, जिसमें आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया जाएगा 13th मंथ बोनस के हिसाब से। उसके बाद जो जॉब फंक्शन है वो ऑफिसर का है, और ये भी मुंबई में ही है जॉब, जो कि कॉन्सुलेट में है, और इसकी क्लोजिंग डेट है 9th of June of 2022। तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि आप अगर इस जॉब के लायक हैं, यानी कि आपने पहले ऐसी कुछ जॉब करी हुई है ऑफिसर से रिलेटेड, सो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश आपकी अच्छी है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब इफ यू हैव एन मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 4 years within the past 7 years of experience in each of the following areas, जैसे कि एक्सपीरियंस एंड डेवलपिंग क्लाइंट, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, प्लानिंग एंड प्रमोटिंग इवेंट्स, इवेंट्स के आप प्लानिंग और प्रमोट करते हैं, तो ये सब चीज़ों में आपका एक्सपीरियंस 4 साल का मिनिमम होना चाहिए, नॉलेज ऑफ द लोकल बिजनेस। तो ये सब आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग दिस जॉब। मैं तो हमेशा बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, बहुत टाइम दे के इन सब चीज़ों को पढ़ता हूँ, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है कि आपने जस्ट अप्लाई पे क्लिक किया और आपने सारी डिटेल्स भर दी, क्योंकि इन्हीं में से चीज़ें में से क्वेश्चन आगे पूछे होते हैं। सो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये है कुछ जॉब्स जो कि निकली हुई हैं एम्बेसी ऑफ कनाडा में, कैनेडियन एम्बेसी में, जो कि इंडिया में। अगर आप कहीं और जॉब देख रहे हैं, अगर आप कहीं और रहते हैं, तो आप उस कंट्री का नाम डाल सकते हैं। मान के चलिए आप अगर इंग्लैंड से मेरी वीडियो देख रहे हैं, सो इंग्लैंड का आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, हालांकि यहाँ पर है नहीं। फॉर एग्जांपल यूएसए में अगर आप रहते हैं और यूएसए से देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज खुली हुई है यहाँ पे, देर आर 7 वैकेंसीज ओपन इन यूएसए। अगर आप यूएस में रह रहे हैं, आप इंडियन हैं और आप कैनेडियन एम्बेसी में जॉब करना चाहते हैं एज अ लोकल एम्प्लॉय, सो यू कैन अप्लाई फॉर दीज जॉब्स ऑल्सो। सो ये है कुछ जॉब्स जो कि एम्बेसी ऑफ कनाडा में अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। सो देखा आपने कितना आसान था किसी भी जॉब को अप्लाई करना एम्बेसी में। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है और बहुत सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करते हैं। बाय द वे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जो कि है ट्रैवलर शर्मा अंडरस्कोर ऑफिशियल। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं डायरेक्टली तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ताकि मैं आपका रिप्लाई दे पाऊँ। सो बहुत सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करते हैं, ईमेल भी आते हैं और बोलते हैं कि सर जो जॉब है उसमें मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, या मिनिमम उसमें आपको पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए या मास्टर्स होनी चाहिए। सो ये सब आपको उसमें दिख जाएगा, उसमें मिल जाता है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि जॉब के जो डिस्क्रिप्शन होता है वो अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी होता है, और उसके बाद जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जॉब की वो भी अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कहीं उस जॉब में एक्सपीरियंस तो नहीं मांग रखा एम्बेसी ने। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। ये सारे क्वेश्चन लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछते हैं कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए सर या नहीं होनी चाहिए। देखिए ये डिपेंड करता है किसी भी जॉब प्रोफाइल पे। फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब है वॉचमैन की किसी एम्बेसी के बाहर, तो उसके लिए आपकी प्रोफाइल अलग होगी। आप
आपसे मास्टर्स नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि एम्बेसी में आपको अगर वॉचमैन की जॉब चाहिए या आपको अगर कोई ड्राइवर की जॉब मिल रही है तो उसमें आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। सो डिपेंड करता है कि जॉब का जो कैटेगरी है, जॉब किस तरह की है, उसी हिसाब से कोई भी जो रिक्रूटर होता है, जो भी एम्बेसी होती है, वो उसी हिसाब से आपसे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है, आपको बताती है कि हमें ऐसा बंदा चाहिए, इस टाइप का बंदा चाहिए। सो जॉब पे डिपेंड करता है ये सब चीजें। ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए होती है, चाहे आप ड्राइवर की जॉब हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव की जॉब हो, चाहे वो वीजा ऑफिसर की जॉब हो। सो कोई भी जॉब हो, जैसी जॉब होगी उसी के हिसाब से ही आपसे चीजें मांगी जाएंगी, आपका एक्सपीरियंस लिया जाएगा। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी ब्लॉग के साथ या किसी न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और अगर कमेंट करते ही है तो शेयर भी कर सकते हैं। तो आगे मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ या कोई न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखते रहें ट्रैवलर शर्मा को। सो ट्रैवलर शर्मा साइनिंग आउट फ्रॉम माय रूम। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।